यहाँ पे है? मुझे लगा सो गया होगा। हाँ, एक लास्ट बार पटना को करीब से देखना चाहता था। तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? एक साल और रुक के ट्राई कर ले, गांव पे तो कितना ही पढ़ पाएगा। और यहाँ तो तुझे स्टडी मटेरियल्स, नोट, मैगजीन सब कुछ इजीली मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पढ़ाई का माहौल है, गांव पे तो क्या ही कर पाएगा। करना तो पड़ेगा ना यार। पहले 3 साल में सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर अब साला एक एक करके साल गुजरता चला गया। अब तक ना किसी रिजल्ट का आता पता है, ना कोई एग्जाम का। करना तो पड़ेगा। बेपुल यार, हम ना मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे यहाँ एक एक रुपए को कई ज़रूरतों से कंपेयर किया जाता है, और फिर किसी एक ज़रूरत को नज़रअंदाज करके उसी एक रुपए को किसी दूसरे ज़रूरत पे खर्च किया जाता है। और इन 5 सालों में घर वालों ने कितने ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ यार। बहुत भरोसा करते हैं यार घर वाले हम पे, और ऐसा नहीं है कि हम उनके भरोसे पे खरे नहीं उतरे। तू जानता है ना, मेरा 3 फाइनल रिजल्ट कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा है। गलती किसी और की और भुगत कोई और रहा है। भाई भाई, सिलेक्शन हो जाता ना तो यहाँ आने का पर्पस फुलफिल हो जाता। पर जाना तो मैं भी नहीं चाहता यार, पर क्या करें, मजबूरी है। तो मत जाना, एक लास्ट बार ट्राई कर ले। स्टूडेंट लाइफ में ना भाई, ये लास्ट टाइम जैसा कुछ नहीं होता। हम जहाँ से गिरते हैं ना, फिर शुरू वहीं से करना पड़ता है। पेशेंस, पेशेंस चाहिए होता है। पर ये पेशेंस ना यार, ये वर्ड हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए बना ही नहीं है। पेशेंस के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए नौकरी। पर यार ये ठीक नहीं है। तू सेंडी मत हो, पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, ये शहर छोड़ रहा हूँ। कल सुबह की ट्रेन है और आज पूरी रात है अपने पटना की, पर एग्जाम देने तो आता ही रहूँगा। और तू पटना को मिस नहीं करेगा? क्या फर्क पड़ता है? तुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। क्या तू मुझे भी मिस नहीं करेगा?